हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम दिखाएंगे स्वयं बारबकारी यानी कि पुटी फिश का झाल। पुटी फिश का झाल एक बंगाली रेसिपी है। पुटी फिश का झाल गरम गरम प्लेन राइस के साथ अच्छा लगता है। पुटी फिश का झाल बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है सरसों तेल, कलौंजी, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, ग्रीन चिली, शुगर, ये ऑप्शनल है, ब्लैक एंड व्हाइट सरसों, नमक, दही, ये भी ऑप्शनल है। आपके पास ना रहे तो नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दही, खुसखुस, ग्रीन चिली, नमक एंड सरसों को अच्छे से पीस लिया है एंड प्लेन वाटर। अब मछली को अच्छे से क्लीन करने के बाद उसको गर्म पानी से धो लीजिए। गर्म पानी से धोने के बाद हाफ टी स्पून नमक एंड हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। अब नमक और हल्दी को मछली में अच्छे से कोट कर लीजिए। अब रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। मछली जब दोनों तरफ से हल्दी और नमक से अच्छे से कोट हो जाए फिर कुछ देर के लिए मछली को रख दीजिए। अब कढ़ाई लेके कढ़ाई में ऑयल गरम कर लीजिए। ऑयल जब अच्छे से गरम हो जाए तब उस ऑयल में मछली को एक एक करके डाल दीजिए। मछली फ्राई करने के लिए ऑयल को अच्छे से गरम होना ज़रूरी है, नहीं तो मछली कढ़ाई में चिपक सकता है। कुछ देर बाद मछली जब एक तरफ से गोल्डन हो जाए फिर मछली को दूसरी तरफ फ्राई होने के लिए पलट दीजिए। आप आपके हिसाब से मछली को कम या ज़्यादा फ्राई कर सकते हैं। अब कुछ देर बाद दोनों तरफ जब गोल्डन हो जाए तब मछली को ऑयल से निकाल लीजिए। अब उसी ऑयल में हाफ टी स्पून कलंजी ऐड कीजिए। कलंजी जब थोड़ा सा फ्राई हो जाए फिर हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर एंड 1 टी स्पून रेड चिली ऐड कीजिए। अब मसाले में एक ग्रीन चिली को ऐड कीजिए एंड थोड़ा सा फ्राई कीजिए। थोड़ा सा फ्राई होने के बाद अब सरसों वाली पेस्ट ऐड कर दीजिए। अब सरसों वाली पेस्ट को ऑयल में अच्छे से मिला लीजिए। थोड़ी देर बाद मसाले में जब उबल आ जाए तब आप आपके हिसाब से ग्रेवी जितना चाहे उतना रखने के लिए पानी ऐड कीजिए। पानी को भी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कीजिए एंड पानी को मसाले के साथ अच्छे से उबल आने दीजिए। मसाला जब अच्छे से उबल आ जाए फिर उस मसाले में मछली को ऐड कीजिए। अब मछली को अच्छे से पक जाने के लिए ढक्कन से ढक दीजिए। कुछ देर बाद ढक्कन हटा के देखिए। मछली जब अच्छे से पक जाए, मसाला भी अच्छे से पक जाए और ऑयल ग्रेवी से ऊपर आ जाए फिर आप आपके हिसाब से नमक ऐड कीजिए। मैंने सरसों वाली पेस्ट बनाने के टाइम थोड़ा सा नमक ऐड किया था।
यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून नमक ऐड किया है। अब नमक जब अच्छे से मसाले के साथ अच्छे से पक जाए, ऑयल भी ऊपर आ जाए, फिर फ्लेवर के लिए ऊपर से रॉ सरसों ऑयल एंड धनिया पत्ता ऐड कीजिए। तैयार हो गया ऊटी फिश का झाल। अब गरम गरम राइस के साथ सर्व कीजिए। फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।